हेलो एवरीवन, दिस इज योर उत्कर्ष यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बीती हुई साल के बारे में। जैसा कि हर साल कुछ यादें छोड़ जाती है, ये साल भी हम लोगों को काफ़ी यादें देकर जा रही है। इस साल काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनमें से कुछ घटनाओं को मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत सबसे पहले थुसाइडस के विचार से करूँगा। उनका कहना था, प्रसन्नता की कुंजी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता की कुंजी सांस। अब चलते हैं सबसे पहले घटनाक्रम पे, जो कि 12 जनवरी 2018 को घटा। जस साहब जनता के बीच 12 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में तुगलक रोड पर मौजूद बंगला नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जे चेलेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर, कुरियन जोसेफ जनता के बीच आए और मीडिया के सामने 7 पेज का पत्र मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नाम जारी किया। यह अभूतपूर्व घटना थी। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जनता के बीच खुद मीडिया से मिलने आए। जजों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर विशेष सीबीआई अदालत के जज बीएच लोया की मौत के मामले में सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश के रोस्टर चयन पर सवाल खड़े करने के लिए की थी। साथ ही जजों ने यह भी चिंता जाहिर की कि देश में अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रहेगी तो लोकतंत्र भी जीवित नहीं रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जजों ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। जस्टिस चेलमेश्वरम ने कहा कि वे मजबूर होकर मीडिया के सामने आए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जैसी गरमामयी संस्था का इस तरह के मसलों को जनता के बीच लाना हैरान करता है। यकीनन यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का एक साहस कदम था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 23 जून 2018 को घटी। थाईलैंड के चियांग राई में लुआंग नान गुफा में फंसी जूनियर फुटबॉल टीम के 13 सदस्यों के बचाव अभियान में दुनिया भर के 10,000 लोगों ने योगदान दिया। थाई नेवी सील्स ने बचाव अभियान की शुरुआत की, लेकिन बारिश के गंदे पानी की वजह से वे कामयाब नहीं हो सके। तो थाई ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल से मदद ली। आखिर में बचाव अभियान सफल और फंसी हुई जूनियर फुटबॉल की टीम को 10 जुलाई को सही सलामत वापस निकाला गया। इस बचाव अभियान के लिए गुफा विशेषज्ञ बन अर्ट्सबर्थ और इलन मास्क को काफी सराहा गया। हालांकि दोनों एक दूसरों के कामों को व्यर्थ बताते रहे। तीसरी महत्वपूर्ण घटना 13 अगस्त 2018 को घटी। जिज्ञासा और साहस का नतीजा है 13 अगस्त 2018 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, जिसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। यह सोलर प्रोब 7 साल तक सूरज का चक्कर लगाते हुए उसका अध्ययन करेगा। यह यान सूर्य की ऊपरी परत कैरोना के पास रहेगा। कैरोना का तापमान करीब 1,000,000 डिग्री सेल्सियस होता है। नासा के इस अभियान का उद्देश्य कैरोना के पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रभाव पर रिसर्च करना है। इस मिशन का नाम यूजिन पार्कर के नाम पर रखा गया है। 60 वर्ष पहले पार्कर के इस शोध को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल ने छापने से मना कर दिया था। बाद में जर्नल के सीनियर एडिटर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के दखल पर यह शोध पत्र छपा। इस मिशन से संचार, मौसम तमाम दूसरे शोधों में मदद मिलेगी। चौथी महत्वपूर्ण घटना पिछले साल बॉलीवुड में देखने को मिली। पिछले वर्ष हॉलीवुड अभिनेत्री एलिसा मिलानो द्वारा ऑफिस पर महिलाओं के शोषण और दमन के खिलाफ जो आवाज उठाई गई, उसका नाम मीटू कैंपेन दिया गया। भारत में मीटू की चर्चा तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर पर लगाए आरोपों से शुरू हुई। बॉलीवुड के बाद मीटू का असर राजनीति और खेल सहित समाज के तमाम हिस्सों तक पहुँचा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे एमजे अकबर को पत्रकार प्रिया रमानी सहित कई महिलाओं द्वारा आरोप लगाने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। भारत में इस अभियान की यह सबसे बड़ी कामयाबी मानी गई। पांचवी घटना 12 जून 2018 को घटी। कभी जापान के सिर से ऊपर मिसाइल का परीक्षण करना, तो कभी अमेरिका को न्यूक्लियर हमले की धमकी देना। उत्तर कोरिया लंबे समय से अमेरिका के खिलाफ आक्रोशित रहा, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में हालात काफ़ी तनाव भरे हो गए थे। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने साहस दिखाते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात को मुकम्मल बनाया। 50 मिनट की इस बैठक का नतीजा यह निकला कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया
वहीं किम ने न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण और मिसाइल लॉन्चमेंट नष्ट करने का वादा किया। इस मुलाकात से दुनिया में शांति और समृद्धि में योगदान मिलेगा। इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से शामिल तारणी है उफनाते समुद्र के बीच लहरों की जिद और भारतीय सेना की तीन महिला अधिकारियों के साहस, आत्मविश्वास, सूझबूझ और धैर्य के बीच चले 254 दिन के मुकाबले में तीन महासागर, चार महाद्वीप और पांच देशों की साहसिक यात्रा पूरी हुई। इस सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब तीनों अधिकारियों को पीने के पानी के लिए बूंद बूंद तरसना पड़ा और समुद्र के बीच प्यास लगने पर बारिश का इंतजार करना पड़ा। लेफ्टिनेंट कमांडर बर्टिका जोशी के नेतृत्व में इस दल में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, पी स्वाति, लेफ्टिनेंट ए विजया देवी, बी ऐश्वर्य और पायल गुप्ता शामिल थीं। इस साल 31 अक्टूबर 2018 भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। नर्मदा नदी के साधु बेट टापू पर बना देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक देश के लिए गौरव की बात है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। यह सरदार पटेल के आदित्य साहस का प्रतीक है, जिसकी बदौलत बिना खून खराबे टुकड़ों में बटा हुआ अपना देश एकजुट हुआ। 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आधार सहित इसकी कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी 46 मीटर ऊंचा है। 2,980 करोड़ रुपए इस प्रतिमा में खर्च हुए, जिसमें से अधिकांश पैसा गुजरात सरकार ने दिया है। इसे लार्सन एंड टर्बो व सरदार सरोवर निगम लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। यह साल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए तमाम कामयाबियों भरा माना जाएगा। इस साल इसरो ने 12 बड़ी कामयाबी हासिल की। 12 जनवरी 2018 को कार्टोसेट 2 भेजा गया। 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 लॉन्च किया गया। यह इसरो का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। इसे भारत ने अपने ही रॉकेट GSLV मार्क 3D-2 से भेजा। यह इसरो और देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। यह रॉकेट आगे चलकर चंद्रयान 2 और मैन मिशन के लिए काम करेगा। इससे भारत को भारी उपग्रह भेजने में आत्मनिर्भरता मिली है। 2022 से पहले भारत मिशन गगनयान के तहत किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना चाहती हैं। इसरो ने इस वर्ष चार भू प्रक्षेपण और नौवहन के क्षेत्र में कई बड़ी और साहसिक कामयाबी हासिल की हैं। वीडियो के अंत में मैं इस बात करूंगा इस साल के आखिरी महीने में घटी अति महत्वपूर्ण घटना के बारे में। 2012 में भारतीय मूल की महिला सविता हल्पान की मौत के बाद से लगातार यह विवाद का मामला रहा है और इस वर्ष इसे लेकर बड़ा आंदोलन किया गया। इस विषय पर हुए जनमत संग्रह में 66% लोग ने 8वें संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए एबॉर्शन निषेध कानून को निरस्त करने की राय जाहिर की है। 6 दिसंबर 2018 को आयरलैंड की संसद ने अबॉर्शन की इजाजत देने वाले कानून को मंजूरी दी। नए कानून के अनुसार अबॉर्शन स्वास्थ्य सेवाओं के एक हिस्से के तौर पर होगा। हालांकि नए कानून के तहत 12 हफ्ते तक ही अबॉर्शन की इजाजत दी गई है। सविता हल्पनवार के साहस के साथ इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनकी मौत के बाद उन्हें इसकी कामयाबी मिली।